अब बात करेंगे शफकत और मोहब्बत भरे रिश्ते यानी वालिद से जुड़े रिश्ते की। मुझको छांव में रखा और खुद वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। वालिद औलाद के लिए शफकत और मोहब्बत का बेमिसाल खजाना होता है। आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है, हर नुमाया तहजीब में किरदार का एतराफ। इस्लाम में भी रब की रजा को वालिद की रजा में करार दिया गया है। हदीस मुबारक है कि रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजी वालिद की नाराजी में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद को उनके नाम से कभी ना पुकारना, रास्ता चलते हुए वालिद से पीछे रहना, वालिद से पहले नशिस्त पर कभी ना बैठना और कोई ऐसा काम ना करना कि लोग तुम्हारे वालिद को बुरा कहें। दुनिया की नुमाया तहजीबों और माशरों में बाप की हैसियत और मकाम मोतबर है। कैथोलिक यूरोप में फादर डे कुरून वस्ता अहद से मनाया जा रहा है। अमेरिका में सन 1910 से हर जून के तीसरे इतवार फादर डे मनाया जाता है। बच्चे वालिद के लिए तहाइफ का एहतमाम करते हैं, केक भी काटे जाते हैं। लिथुआनिया, स्पेन, इटली में ये दिन नेशनल हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है। गर सारी दुनिया में खानदान और माशरे के लिए बाप की अहमियत और अजमत का एतराफ किया जाता है। वालिद शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फादर्स डे पर अपने वालिद को खराज तहसीन कहती हैं, आज बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अपनी हर कामयाबी अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला हैं। उनकी बेटी होने पर फ़ख्र है, हर रोज़ उनकी दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापसी पर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अपनी हर कामयाबी अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला हैं। उनकी बेटी होने पर फ़ख्र है, हर रोज़ उनकी दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापसी पर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अपनी हर कामयाबी अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला हैं। उनकी बेटी होने पर फ़ख्र है, हर रोज़ उनकी दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापसी पर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अपनी हर कामयाबी अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला हैं। उनकी बेटी होने पर फ़ख्र है, हर रोज़ उनकी दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापसी पर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अपनी हर कामयाबी अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला हैं। उनकी बेटी होने पर फ़ख्र है, हर रोज़ उनकी दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापसी पर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना चाहिए जो नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। अपनी हर कामयाबी अपने वालिद नवाज शरीफ के नाम करती हूँ जो हर मुश्किल में मेरा हौसला हैं। उनकी बेटी होने पर फ़ख्र है, हर रोज़ उनकी दुआएं लेकर निकलती हूँ। वापसी पर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि नवाज शरीफ जैसे वालिद मिले।